हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुनियादारी विद खुशबू। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ बॉल्स की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और आप इसे घर पर बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली हैं 4 मीडियम साइज़ की आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज। इन सारी चीज़ों को अब हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। इसके साथ ही साथ मैं एक ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप चीज़ बॉल का ये मिक्सचर आप तैयार करें तो आलू आपके बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। बॉईल होने के बाद कम से कम 2 घंटे आप इन्हें ठंडा करें। तो अब इस मिक्सचर का हम लेंगे स्मॉल पोर्शन और इसके बीच में हम इस तरह से कुछ करेंगे होल। और चीज़ क्यूब्स मैंने पहले से ही कट कर लिए हैं छोटे पीसेज में, इनको हम इसके अंदर रख के हम इसे रोल कर देंगे। कुछ इस तरह से हमें इसे राउंड शेप में बनाना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन होता है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस इस तरीके से अब हम सारी बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। बॉल का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटी या बड़ी जैसी भी आपको बनानी हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की बॉल्स में बना रही हूँ। तो अभी देखिए सारी बॉल्स हमारी बनके हो गई हैं तैयार और अब हम इसकी तैयार करेंगे स्लरी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 बोल और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और कुछ इस तरह से हमें इसकी स्लरी बनानी है। और ये है, मैंने साथ में लिया है ब्रेड क्रम्स। तो पहले तो हम अपनी चीज़ बॉल्स को स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और क्रम्स की हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे अच्छे से। तो कुछ इस तरह से हमें अपनी बॉल्स को कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। अब हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि जो भी ब्रेड क्रम्स हैं वो हमारे बॉल में अच्छे से लग जाएं और जब भी हम ये बॉल्स को फ्राई करें तो वो ऑयल में ना गिरें। तो बस इस तरीके से सारी बॉल्स की हम कोटिंग कर लेंगे, पहले स्लरी में और फिर ब्रेड क्रम्स में। इससे हमारी बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बिकॉज अंदर हमने चीज़ की फिलिंग करी है तो वो बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी होगा और ऊपर से ब्रेड क्रम्स हम इस पर कोट कर रहे हैं तो जिससे बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो बस इस तरीके से हमें अपनी सारी बॉल्स पे कोटिंग कर लेनी है। तो अभी देखिए सारी बॉल्स पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो चुकी है। तो अभी बॉल्स हमारी बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो अभी एक कढ़ाई में हम गरम करेंगे 2 कप के करीब ऑयल। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो जाना चाहिए। तो ऑयल अभी गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये चीज़ बॉल्स और इन्हें हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर ताकि अंदर जो हमने चीज़ की फिलिंग करी है तो चीज़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बॉल्स हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस इस तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है। बस इसी तरीके से हमें बाकी की सारी बॉल्स भी हमें फ्राई करनी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजी रेसिपी है। हमारे घर पे जो भी इंग्रेडिएंट हैं ये उससे बनके तैयार हो जाती है और ये बनाने में जितनी इजी है ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इन बॉल्स को आप ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई करें। तो बस इसी तरह से हम अपनी सारी चीज़ बॉल्स को कर लेंगे फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप इसे केचप या ग्रीन चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बट मैं इसे खाने वाली हूँ केचप के साथ, बिकॉज़ ये मुझे केचप के साथ ज़्यादा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।